आज अपन को स्टार्ट करना है 6B वाली लेयर। तो 6B वाली लेयर बेसिकली नोज पे ही है, देख सकते हो ध्यान से यहाँ पे, और हल्का हल्का आईज के ऊपर है। ठीक है, तो नोज पे कौन सी वाली है मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये जो आ रही है ना बाहर की आउटलाइन, ये है हल्का सा शेड है, और हल्का सा नोज के अंदर भी शेड है। ठीक है, वो लाइटली है, वो 4B से भी कर सकते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं, 6B पेंसिल ली मैंने, और मैं सबसे पहले आउटलाइन शेड कर रहा हूँ। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ये आउटलाइन, ठीक है, ये आउटलाइन शेड कर रहा हूँ मैं। तो मैं आउटलाइन लिए मैंने, शेड करना स्टार्ट किया। नोज के आसपास आराम से करो, ठीक है, बहुत लाइटली करो, क्योंकि 6B कर रहे हैं अपन, डार्क पेंसिल है, गड़बड़ हो सकता है। ये जो अपन का जा रहा ना यहाँ से, वो अपन को पीछे की तरफ ले जाना है, तो यहाँ तक लाना है अपन को 6B, थोड़ा बाहर तक लाना है, थोड़ा, बहुत ज़्यादा बाहर तक नहीं लाना है 6B, थोड़ा ही बाहर तक लाना है। ओके, फिर आईज के हल्के हल्के नीचे नीचे होगा, टिप के पास वाले रीजन में से शेड करना है नीचे की तरफ थोड़ा। थोड़ा ये आईज के यहाँ यहाँ पे करना है, हल्का हल्का शेड करते करते ऊपर ले गए, हल्का हल्का शेड करते करते यहाँ ऊपर ले गए। बीच में अपन ने हल्का सा पार्ट छोड़ा था बस वही। फिर 6B पेंसिल से लो ऐसे आउटलाइन बनाओ। देखो ये आउटलाइन भी मैं लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं ये आउटलाइन लाइटली ड्रॉ करो, और राइट साइड वाली और लाइटली ड्रॉ करो। ये जो बेस की आउटलाइन है ये इसे भी बहुत लाइटली लाइटली ड्रॉ करना है, एकदम डार्क मत करना। अब अपन को ये जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अपने पास दो ऑप्शन होते हैं कि ये जो दिख रहा है अपन मैकेनिकल पेंसिल लो और धीरे 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 नोज पे जो दिख रहा है उससे करना स्टार्ट करो। नोज पे दिख रही है ना थोड़ी सी लेयर अपन को यहाँ पे डार्क जाती थी, ये अपन मैकेनिकल पेंसिल से, तो मेरे ख्याल से मैकेनिकल पेंसिल ज़्यादा बेटर ऑप्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने आउटलाइन इस तरीके से पहले दे देंगे, हल्का सा शेड अंदर अंदर करेंगे, हल्का सा, बहुत लाइटली, ताकि वो ब्लेंड करने में आसानी रहे। ओके, थोड़ा शेड अब अपन को क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट आते हैं बॉर्डर पे, राइट टू लेफ्ट आते, लेफ्ट टू राइट आते हुए, सॉरी लेफ्ट टू राइट आते हुए लाइट होते जाना चाहिए शेड यहाँ पे। बहुत आगे तक नहीं ले जाना, वरना फिर फायदा नहीं रहेगा। अपन को एक डार्क शेड बस बॉर्डर्स के पास देना है, ठीक है, यहाँ पे बहुत आराम आराम से करते जाओ, धीरे धीरे आते हैं लेफ्ट टू राइट, अंदर बाहर से अंदर की तरफ आना है। एक अच्छा ग्रेडियंट शेड दिख रहा है ना, ये आ रहा है, ये हर जगह टाइप देते जाओ नीचे तक, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ, बॉर्डर से स्किन के टेक्सचर की तरफ लाते जाओ। थोड़ा लिप्स में भी करना, लिप्स में अंदर से बाहर की तरफ ले जाओ, बहुत लाइटली करना है ये, थोड़ा यहाँ यहाँ पे भी करना है, ठीक है, थोड़ा लाइटली लाइटली करते जाओ। इतना करने के बाद, ये बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है, अपन एक हाईलाइट सा दे रहे हैं, डेप्थ दे रहे हैं अच्छी खासी। अब आते हैं मेन चीज, तुम लोग को थोड़ा ध्यान से करना है ईयर्स। ईयर्स पे अपन ने छोड़ा था, यहाँ यहाँ पे डार्क करो, जो आउटलाइंस हैं इन्हें केयरफुली करो, अंदर अंदर शेड करना अब जरूरी हो जाता है। यहाँ बॉर्डर्स के पास इस तरीके से शेड करो, थोड़ा यहाँ हल्का हल्का शेड करो, ठीक है, इस तरीके से अपना जो स्किन का टेक्सचर है वो पूरा हो जाता है। अब अपन को एक एक एलिमेंट पकड़ना है, जैसे आईज, नोज, लिप्स, उनको कंप्लीट करना है। तो इतना करने के बाद इसे ब्रश से ब्लेंड करो। ओके, ईयर्स जो है उसे ब्लेंडिंग स्टेप की मदद से ब्लेंड करो, क्योंकि छोटे से एरिया है, ब्रश से उतना स्मूथ ब्लेंड नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करो यहाँ पे। ओके, ये किया, इसके बाद अपन ने ब्रश से जो अपना स्किन वाला एरिया जैसे ये है, इसे भी आउटर बॉर्डर से अंदर की तरफ लाते जाओ, ताकि स्मूथ ब्लेंडिंग आए। पहले देख लो मेरे को, मैं कैसे कर रहा हूँ। कॉटन से भी कर सकते हो, लेकिन कॉटन की जगह ब्रश प्रेफर करो, क्योंकि ब्रश ज्यादा जल्दी करेगा और स्मूथ नहीं करेगा। कॉटन 6B से और डार्क कर सकता है और गंदा भी कर सकता है, ठीक है। 6B को एकदम बहुत डार्क मत यूज करना शेडिंग करते समय, लाइटली यूज करो, 6B ऑलरेडी बहुत डार्क पेंसिल होती है, ठीक है, उसे अपन को और डार्क करने की जरूरत नहीं है, फिर अपना स्केच एकदम काला लगे, वो अपन नहीं चाहते। ये होने के बाद आईज पे आओ, ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट राइट करते करते कर्व में
सेम चीज नीचे नीचे में ब्लेंड करो। अब आते हैं नोज के, नोज के स्टेम पे पहले नोज के स्टेम से बाहर की तरफ ले जाओ, ठीक है, आईज की तरफ, ताकि वो ब्लेंड हो जाए। अब थोड़ा अंदर की तरफ लाओ सेम चीज। तो अपन को ये नोज पे एक बॉर्डर टाइप मिल गई, अंदर की तरफ जो शेड दिख रहा है अपन, ये अपन अपनी मैकेनिकल पेंसिल से हल्की हल्की लेयर के साथ करेंगे, क्योंकि अपन को एकदम बहुत डार्क लेयर नीचे मैकेनिकल से आ जाएगी, ठीक है। और जहां जहां अपन ने शेड करा, जैसे लिप्स के पास थोड़ा करा, थोड़ा यहाँ पे नोज के पास करा, तो स्मूथली स्मूथली अच्छे तरीके से ब्रश चलाते चलाते पूरे में ब्लेंड कर लो, ठीक है। इस तरीके से अपना डार्क शेड भी हो गया, इतना करो। तो आईब्रो स्टार्ट करना है अपन को, तो आईब्रो देखो इस वाले में पूरी घनी है, इस वाले में भी घनी है, तो अपन को ऐसे बीच में बहुत छोड़ने की जरूरत नहीं है। 10B से स्टार्टिंग करो, थोड़े बिखरे हुए बाल के साथ छोटे से आप उसे डायरेक्शन में जाते हुए धीरे धीरे। आउटलाइन अभी तक जिसकी अगर ब्लेंड हो गई हो बहुत ज़्यादा, वो हल्की सी आउटलाइन दोबारा बना लो, हल्की सी। और लेफ्ट, अपन सब राइट हैंडी है, तो आईब्रोज के लिए ऐसे उल्टा घुमा लो इस तरीके से, धीरे धीरे कर्व हो जाना चाहिए, ऊपर जाते जाते कर्व हो जाना चाहिए। आराम आराम से 10B पेंसिल का यूज करके अपन धीरे, देखो 10B को बहुत लाइटली यूज मत करना, वरना तुम्हें एक और लेयर लगानी पड़ जाएगी उसकी, वो अपन नहीं चाहते। अपन को पहला रिजल्ट, अपना बेस्ट रिजल्ट 10B में पहली लेयर में मिल जाना चाहिए 10B की, क्योंकि अपन को ऐसे बहुत, फिर वो बहुत गंद सेकेंड लेयर गंदी लगेगी। अपन ने HP की कर दी थी मैकेनिकल पेंसिल की मदद से, इसमें धीरे धीरे ऐसे कर्व करते जाओ। एंड में ये जो कर्व आ रहे हैं ना, यही तुम्हारे ऊपर की डायरेक्शन में आने चाहिए, ताकि ये तुम्हारे एक बॉर्डर टाइप ऊपर के बाल बना दे, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रोक लाइट है, एक स्ट्रोक डार्क आ रहा, सारे स्ट्रोक जो है सब डार्क होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, अच्छा मतलब ब्लेंड करने के बाद बीच में कुछ अलग, ठीक है। अब इसे वापस करो इस तरीके से, थोड़ी जो बॉर्डर बचती है यहाँ यहाँ पे एंड में, एंड में इस तरीके से नीचे की तरफ लाते जाओ, हल्के हल्के नीचे का थोड़ा सा शेड कर लो एरिया 10B के लिए, ओके। इस तरीके से लेफ्ट आईब्रो हो गई अपनी, राइट आईब्रो भी अपन इसी तरीके से करेंगे, आगे के बाल थोड़े एक दो एक दो बिखरे हुए, ठीक है। फिर पीछे की तरफ जाते हुए, ऐसे नहीं कि एकदम से पीछे की तरफ कर दो, स्टार्टिंग के थोड़े बाल धीरे धीरे कर्व होंगे, फिर यहाँ पे और कर्व होना स्टार्ट हुआ, और कर्व होना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से धीरे 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 पीछे की तरफ ये शेप नहीं बिखरना चाहिए, जो आउटलाइन आ रही है, थोड़ी जो आउटलाइन आ रही है वो शेप नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे आओ। और ये नीचे की तरफ अपन आ गए, हल्के हल्के से आराम से शेड, ये जो बेस लाइन रहती है ना, ये ड्रॉ कर सकते हो, इसे शेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें अपन को दिख रही है एक बेस लाइन दिख रही है, ऊपर की तरफ नहीं करना ये, इस तरीके से धीरे से। अब अपन को बस एक चीज करनी है, ब्रश लो और धीरे धीरे से ब्लेंड कर दो, पहले बेस लाइन करो और फिर ये नीचे वाला पार्ट करो, मतलब ऊपर वाला, सॉरी। ये अपने आईब्रो हो गए, स्टार्टिंग में हल्के हल्के रखना ब्रश, सेंटर वाले पार्ट जो है अपना, पहले बेस को डार्क कर लो ऐसे, और फिर ऊपर ऊपर का, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आईब्रो डार्क हो जाते हैं, चेहरे में अच्छी डेप्थ आ गई है, इतना करो। लेफ्ट आई स्टार्ट करनी है, तो 4B पेंसिल लो, ओके, 4B पेंसिल लो, यहाँ ऊपर से जैसे अपन सर्कुलर शेडिंग करते, ऊपर से स्टार्ट करो दोनों साइड, थोड़ा बॉर्डर पे दो, एक लेयर पतली सी, ठीक है, थोड़े यहाँ पे लेयर दो पतली सी, हल्की हल्की ऊपर ऊपर आराम से देना, ऊपर ऊपर थोड़ी डार्क होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको ब्लेंड करना है, ये अपन पूरी आई कंप्लीट करेंगे, डेप्थ के साथ भी करेंगे और हाईलाइट के साथ, ठीक है। इसे ब्लेंड करते जाओ, यहाँ अपन ने देखा ये वाला जो रीजन है व्हाइट व्हाइट, ये भी है, तो अपन ने ब्लेंडिंग स्टंप अपने में जो ग्रेफाइट लगाया, जैसे इसमें मेरे में लगा है ग्रेफाइट, तो मैं यहाँ यहाँ इस ब्लेंडिंग स्टंप से कर दूंगा, मुझे थोड़ी और डेप्थ चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं हल्का सा शेड करना स्टार्ट कर दूंगा मैकेनिकल पेंसिल से, एकदम आईज के पास वाला एरिया थोड़ा छोड़ देना, यहाँ मैं
लेयर बाय लेयर थोड़ा और डेप्थ देता हूँ, ओके, और फिर मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। आगे की टिप देखो जरा, टिप पे ध्यान देना, टिप इसमें डेप्थ है, टिप अपने रेफरेंस में देखो, टिप में डार्क है बहुत, इस तरीके से धीरे धीरे ओके, और उसके बाद थोड़ा शेड, तो शेड एकदम अंदर तक नहीं लाना है, थोड़ा बाहर तक ही रखना, और फिर इसे ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से टिप जो है उसे ब्लेंड करो। एक बार मैं पूरी आई देख लो जरा, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये हो गया, अब इसके बाद क्या है, अपनी 10B पेंसिल लो, ओके, फिर उसमें नीचे की तरफ वाले आई लैशेज अपन को ज्यादा दिख रहे हैं, तो लोअर आई लैशेज बनाओ सबसे पहले, ठीक है, 10B से, ठीक है, बहुत नीचे नीचे तक ऐसे बहुत बड़े नहीं बनाने हैं, जैसे छोटे छोटे से ही आएंगे, फिर ये देखो इस तरीके से आए, थोड़े छोटे छोटे रहेंगे, बहुत ऐसे घने नहीं चाहिए मुझे और बहुत बड़े बड़े भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले जो आई लैशेज हैं उन्हें ऐसे हल्का हल्का एक आध दो निकलने हैं, वो भी उन्हें मैकेनिकल पेंसिल की मदद से ही बनाओ, ओके, मैकेनिकल पेंसिल की वजह से बहुत डार्क भी नहीं होंगे और हल्के हल्के दिख भी जाएंगे अपन को, ऐसे बहुत बड़े नहीं बनाने, बस कर्व आने चाहिए थोड़े, ठीक है, थोड़े एंड में भी यहाँ पे जो बना है ना ये अपन ने डार्क डाल, इसमें भी थोड़े ऐसे फैलते हुए दिखने चाहिए, ओके, इस तरीके से आया। अब ये जो थोड़ी सी शाइन दिख रही है अपन यहाँ पे, ये हल्की सी शाइन अपन ने मैकेनिकल इरेजर अपनी मोनोसिल इरेजर की मदद से, जो शाइन दिख रही ना ये वाली शाइन, ये अपन को हल्की सी शाइन दिख रही, ये रेस करी, और अब अपन ने व्हाइट जेल पेन लिया, तो व्हाइट जेल पेन देखो ऐसे तीन डॉट्स टाइप रखो, 1 2 3 इस तरीके से ये किया, थोड़ा इसके थोड़े राइट साइड भी और ऐसे डॉट्स ही रख दी, ये अपनी आंखों में जो शाइन की जरूरत थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ये जो हल्का हल्का थोड़े यहाँ पे शेड आ गया है उसे हल्का हल्का ऐसे इरेज कर दो, हल्का हल्का ऐसे पूरा नहीं करना, हल्का हल्का इरेज कर दो, थोड़े यहाँ डॉट लगाते हो, बॉर्डर्स पे जो अपन को डेप्थ चाहिए ना, ये थोड़ी मैकेनिकल पेंसिल की मदद से दे दो, बॉर्डर्स पे अपन को असल में डेप्थ चाहिए, थोड़ी बॉर्डर्स जो है थोड़ी मोटी होनी चाहिए, हल्की हल्की